हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जानेंगे क्या 3G फ़ोन में भी जियो का सिम चल सकता है या फिर नहीं। आइए जानते हैं। वेलकम टू टी टेक, लेट स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों ने सभी ने फेसबुक व्हाट्सएप ये तो यूज कर ही होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप, यहाँ पे आप लोग देखा होगा कि जो जियो का 4G सिम होता है वो 3G सिम में, मतलब सॉरी 3G मोबाइल पे बिल्कुल चल जाता है। मतलब सही से नेटवर्क आ रहा है, कॉल हो रहा है, डेटा चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कि कुछ कुछ वीडियो भी होगा, मतलब कि यूट्यूब में कुछ वीडियो होगा जहाँ पे दिखा रहा है कि जियो का जो सिम है वो 3G मोबाइल पे तो मतलब कि मक्खन की तरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उस लोगों के पास इसका जो वर्किंग का 100% प्रूफ है कि ये हो रहा है। इसके इसका जो फुल रिकॉर्डिंग होता है कैसे करता है तो मुझे पता नहीं, पर वो होता है कि मतलब हो रहा है। उस लोग का जो 3G का सेट है वो एक 4G सेट हो गया। ये तो भगवान ही जाने कैसे हो रहा है। तो आप लोग आगे आके वीडियो देखिए तो आप लोग खुद भी समझ जाएगी कि कैसे होगा या फिर नहीं होगा। तो इंडिया में जो 3G का जो नेटवर्क होता है वो बेसिकली जो ब्रांड फ्रीक्वेंसी में चलता है। यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। जो 3G का ब्रांड फ्रीक्वेंसी होता है वहाँ पे 1900 MHz का एक फ्रीक्वेंसी होता है और एक 2100 MHz का फ्रीक्वेंसी होता है। तो और जो लेटेस्ट 4G वर्सन है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो है 850 MHz, 1800 MHz और 2300 MHz। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 3G का जो ब्रांड फ्रीक्वेंसी है और वो जो 4G का ब्रांड फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल अलग का है। तो आप ही बताइए कि एक मोबाइल जो इस ब्रांड फ्रीक्वेंसी के लिए बना होगा कि 1900 और 2100 MHz को कैप्चर करने के लिए बना होगा तो वो कैसे एक, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो 3G का जो ब्रांड फ्रीक्वेंसी है उसको कैपेबिलिटी करने के लिए जो कंपनी ने मोबाइल बनाया है वो कैसे एक 4G का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो मेरा जो ओपिनियन है वो तो यहाँ पे तो नहीं काम कर सकता है। तो आप लोग ही जाने तो ये होगा या फिर नहीं। तो और एक जो इसका जो मतलब कि एक ब्रांड होता है, ब्रांड 1 जो 2100 MHz होता है, ब्रांड 3 जो 1800 MHz होता है, ब्रांड 5 जो 850 MHz होता है, ब्रांड 1440 जो 2300 MHz होता है, और जो लास्ट 3 MHz है वो 4G है, और जो ब्रांड 1 है वो 3G में यूज होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी ब्रांड सब कुछ अलग है एक 4G नेटवर्क के लिए और एक 3G नेटवर्क के लिए। वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो ब्रांड है वो अलग है। तो एक 3G मोबाइल कैसे एक 4G का जो फ्रीक्वेंसी है ये ले सकते हैं। और हाँ, ये जियो का जो नेटवर्क है ये हो सकता है कि एक 3G मोबाइल पे भी चल जाए। तो जब ये तभी होगा जब जियो का जो कंपनी है वो किसी 3G नेटवर्क को यहाँ पे मतलब कि प्लांट करेगा, या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, इस लोग के साथ एक टाई अप करेगा कि इसके 4G को ट्रांसफ़र करेगा, मतलब कि 4G का जो नेटवर्क है ये शेयर करेगा और उसके बदले में ये सब कंपनी उसे 3G का नेटवर्क शेयर करेगा। तो ऐसे होगा तो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि जियो 4G से 3G में आएगा। तो वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि वो आता है कि नहीं है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है। जो एक जो 2G का फ़ोन है, मतलब कि 2G या 3G फ़ोन, वहाँ पे हर एक मोबाइल में एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक कैप्चर करने की एक फ्रीक्वेंसी होता है। बट वो जो 2G है उसका जो फ्रीक्वेंसी है GSM 900 एंड GSM 1800 MHz। तो
यहाँ पे वो जो GSM 1800 MHz, यहाँ पे मोबाइल पे एक मैंने ऐसे ही रहता है कि ये तो 1800 MHz जो 4G में है, ये इसी यहाँ पे भी 2G मोबाइल पे भी 1800 MHz कैपेबिलिटी है, बट वो LTE 1800 ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। बट आप इसे मतलब कि GSM 1800 MHz को आप LTE 1800 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो शायद कम बन जाए। मतलब कि बहुत सारे मतलब कुछ एप्लीकेशन है जो मोबाइल के अंदर अच्छा के मोबाइल का जो कोडिंग है मतलब कि प्रोग्रामिंग है उसको वर्सन को चेंज कर देता है, और जिस जिस मोबाइल पे मतलब कि कुछ अनसिक्योर मोबाइल पे एक काम कर जाता है, पर जो उस मोबाइल सिक्योर होता है मतलब कि हाई हाई क्वालिटी का मोबाइल होता है वहाँ पे एक काम नहीं करता है, ये ट्रिक काम नहीं करता है। बट कुछ मोबाइल होता है जो मीडियाटेक प्रोसेसर में चलता है तो वहाँ पे ये मतलब कि कुछ हद तक होता है, पूरे होता नहीं, कुछ हद तक कभी 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 नेटवर्क आ जाता है, मतलब कि उस मोबाइल के प्रोग्रामिंग में एक्सचेंज थोड़ा सा एक्सचेंज करना पड़ता है कि जो GSM वाला 1800 MHz है उसे चेंज करके LTE वाला 1800 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जब मोबाइल कैप्चर करता है मोबाइल को लगता है कि वो मतलब 2G में ही 1800 का जो फ्रीक्वेंसी है उसे कैप्चर कर रहा है, बट वो असल में 4G का है। तो ऐसे में होता है, बट ये एक बहुत रिक्स है। यहाँ पे मोबाइल परमानेंट के लिए डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि मेरे मानो तो ये नहीं करना ही अच्छा ही होगा। और जियो का इस लेना होगा, मजा लेना है तो एक 3000 रुपये खर्च करके ले लो ना जियो का एक लाइफ का सेट, और हॉटस्पॉट चला के बिंदास चलाओ। अभी भी 3 मंथ्स है तो आपका जो पैसा है वो स्लो हो जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन होगा कि क्या मैं कर सकता हूँ 3G मोबाइल पे एक 4G सिम डाल सकता हूँ या पे नहीं। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन जो था मुझे लगता है कि मैं वो सॉल्व कर दिया हूँ। तो और भी कोई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ जो मेरा वो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे नीचे एक लाल बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।